हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक तो भाई आपने ये वीडियो सजेस्ट किया और उसमें ऐसे लग रहा है कि वाकई में का जो काम है अब स्कूल का शुरू हो गया yeah. है और वही जो लड़की है उसने दिखाया भी है जो जो डेवलपमेंट <laughs> हुई है जो स्कूल को को ठीक किया जा रहा है तो yeah. so, वीडियो देखने से पहले मैं तो ये कहूँगी मुझे नहीं पता क्या क्या अभी तक हुआ है पर मैं ये सोच रही थी जब आप लोगों के कमेंट्स सुने पढ़े कि भाई देखो पहले कितने सालों से 2014 का ये स्कूल बन रहा था अभी 2023 हो गया तब तक स्कूल का कुछ नहीं हुआ हम्म यहाँ से मोदी जी के वहां से एक फोन गया सब दो गया दिन गया। के अंदर जी, स्कूल की चीजें भी शुरू हो गई जो जो हाँ, तो सब सब तो अच्छा आप में से कोई बता रहा था यार कॉन्ट्रैक्टर की थी कि शायद उसको डर था कि टेररिस्ट अटैक कर देंगे ये क्या बात है अब नहीं करेंगे वो सब बेकार है और जो उनका जो क्या बोलते एजुकेशन का जो क्या था डायरेक्टर एजुकेशन जो डायरेक्टर था उसकी जब इंटरव्यू ली थी तो उन उसने क्या एक्सक्यूज बनाया था कि कोई वाटर प्रॉब्लम थी तो ये आपको दिख रहा है कि कहीं से कोई कहीं से से कोई कोई रीजनिंग रीजनिंग उससे साफ पता चल जाता है कि झूठ चल रहा है अंदर से गपले कुछ और ही थे काम करने वाले नहीं थे या, मगर ऐसी दुख की बात है हमारा स्कूल खराब है हमारा स्कूल खराब है मतलब तो बच्चे बच्चों का ये काम रहू रहू गया कि वो अपने स्कूलों के बारे में बोले उनको बिना बोले ये सब मिलना चाहिए एक्शन लिया जाना चाहिए ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं इनको इनके ऊपर एक बोले ना कमेटी टाइप बन बैठाओ और वो इस इसको देखे की कहा वीडियो वायरल हो जाए इस टॉपिक का दूसरे वीडियोस इसी टॉपिक के बारे में का चांस कम हो जाता है। बाद क्योंकि लोग देखना फिर उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं करते। हैं, बड़ी दुख की बात है, है की लोगों लोग जो देखने वाले, उनको ये नहीं रियलाइज होता कौन सी देखनी चाहिए किसकी वीडियो देखनी चाहिए किसकी नहीं देखनी चाहिए यहाँ पे गारंटी है की डर तो बैठ ही गया इनके जो एजुकेशन डायरेक्टर हैं कि भाई पता नहीं कहाँ से एक

और वहां का मैं तो सोचू कोई एक कम्प्लेन डिपार्टमेंट बना दे और उस कंप्लेन डिपार्टमेंट में भी सब डिपार्टमेंट बना दो ये एजुकेशन का डिपार्टमेंट है ये घर का डिपार्टमेंट है ये का या हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट है ये कुछ और उसमें आप अपनी वीडियोस डाल डाल के अपने कंप्लेन दे सकते हो और उसके बाद उनके पास अपने उसका लिंक भेज दो बिल्कुल तो ऐसे तो होना चाहिए पर चलो देखते हैं यार हम लोग आइडियाज दे रहे हैं काम मुश्किल है क्योंकि कंप्लेन बहुत आएंगी क्योंकि कई ऐसे लोग अभी भी इंडिया में है इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग होते हैं जो काम नहीं करना चाहते और कई होते हैं जो हो रहा है इंडिया corruption में तो बहुत इंडिया में तो हो रही है यार करप्शन हैज कम डाउन सो मच मेरे मैं बता रही हूँ माय फादर जो है ही इज इम्प्रेस्ड कह रहे हैं जिस तरह से इंडिया चेंज हुआ है ना इट इज अमेजिंग तो चलो वीडियो वीडियो शुरू शुरू करते हैं करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू के नोटिफिकेशन मिल जैसे जाएं 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 हम अपलोड करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है चलिए ओए होए इसका ऑफिस है और ये स्टाफ रूम है ये पहले का देखो हमारा फर्स्ट अब वो फिर से दिखाना हो चुका है अब दिखाएंगे हा? हमें यहाँ नीचे बिठा दिखाया था, था पहले ब्राउन कर दिया फिर से देखा नन्नी सीरत ने अपनी एक बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई और प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी इस बात को न सिर्फ सुना बल्कि उसकी इच्छा भी पूरी कर दी ओए होए। और जब जिस ओई दिन ओई। हमारी बिल्डिंग बड़ी वाली बिल्डिंग जहाँ पे हम बैठते हैं उसका काम कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको एक और थैंक यू कहूँगी नाज ने वीडियो बनाकर अपने स्कूल का हाल पीएम मोदी को बताया और उधर प्रशासन हरकत में आ गया जिसके बाद नाज के स्कूल का काया कल भी हो गया जहाँ कभी टूटा फर्श था वहाँ टाइलें लगी है प्रिंसिपल और स्टाफ रूम भी चकाचक चमक रहा है तो? और नाज अपने प्रधानमंत्री को क्या सुंदर ऑफिस बन गया यार अस्सलाम वालेकुम मोदी सर कैसे हो हाँ। आप ठीक हो मेरा नाम सीरत है थैंक यू मोदी सर आपने हमारे स्कूल का काम शुरू करवा दिया है और हाँ ये कितना सुंदर लग रहा है, है। पर काम में कमी है प्रिंसिपल अंदर बैठे काम कर रहे थे और हमारे ब्रांडे में भी टाइल लग चुकी है, लगते है। <laughs> so you, अभी लग रही है, आगे लग रही है इस वीडियो को देख कर हर कोई अब सरकार की तारीफ कर रहा है लेकिन सवाल ये है की आखिर क्यों मूलभूत सुविधा के लिए सीरत को ये वीडियो यही बोल रही थी ना जो प्रशासन स्कूल की तरफ आंख मूंदे बैठा रहा कि अभी सिर्फ प्रिंसिपल और स्टाफ रूम बना है सीरत के स्कूल की मेन बिल्डिंग का काम अभी बाकी है जिसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी आपने प्रिंसिपल का ऑफिस और स्टाफ रूम का काम शुरू करवा दिया है और जब जिस दिन हमारी बिल्डिंग बिल्डिंग बड़ी वाली पे हम बैठते हैं उसका काम कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको एक और थैंक यू कहूँगी दरअसल जम्मू कश्मीर के कठुआ की रहने वाली नन्नी सीरत नास को इस बात से काफी दुख था कि उसे अपने स्कूल में दोस्तों के साथ गंदे फर्श पर बैठ कर पढ़ाई करनी पड़ती है उसने छोटी सी अवस्था में ही इसमें बदलाव लाने की ठान ली उसने इसके लिए भारत के सबसे ताकतवर ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपनी समस्या को पहुंचाने की ठान ली फेसबुक पर एक वीडियो बनाई और ये वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में कठुआ जिले के लोहाई मल्हार गांव की एक छोटी सी लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक प्यारी सी इच्छा व्यक्त की जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुनी बात सुनी गई और स्कूल बनकर तैयार हो गया नहीं, पर काम अच्छा नहीं किया भारत तक हो रहा है यार वीडियो बहुत प्यारा है और देख के बहुत खुशी हुई है कि मोदी जी का जब डंडा पड़ा है ना तो काम भी जल्दी जल्दी हो रहा है पर यह है कि काम जल्दी कर रहे हो पर क्वालिटी का करें क्योंकि मैं देख रही थी कि अगर आप देखो आई होप सो क्योंकि जो वो दिखा रहे हैं फर्श जो है और जो पेंट किया हुआ है बीच में अभी भी क्रैक्स है दीवारों पर पेंट जो कर रहे हैं लकड़ी पे ब्लू कलर का वो भी सीधे बनाया नहीं है ढंग से नहीं किया हुआ कुछ वो वॉल के ऊपर जा रहा है टेडा मेढा एंड की जो लाइनें होती हैं भाई काम करो तो अच्छा करो ये थोड़ी से अभी शुरू कर रहे हैं फाइनल फिर बाद में फिर ठीक है पर, और और पर और प्रिंसिपल का ऑफिस और मतलब जैसी फर्श देखा ना मैंने मैं तो हक्की बक्की रह गई कि भैया कहा पहले हमने वो टूटा फूटा फर्श और एकदम से ये देखो तो इतना अच्छा वुड का लगा के वो फर्श किया और मैं तो ये सोच रही थी प्रिंसिपल और बाकी बच्चे तो इसको थैंक यू थैंक यू कर रहे होंगे कि भैया तूने बना के हम, बना हमारे स्कूल, स्कूल का तो पूरा <laughs> चेंज हुलिया ही चेंज कर दिया यार हम लोग कहाँ किस गंध में पढ़ रहे थे और कहा हमें इतना अच्छा स्कूल में बिल्कुल अल्टीमेटली इनका फाइव स्टार स्कूल होगा क्योंकि इसमें सब बच्चे है और नहीं तो क्या मैं तो कह रही हूँ प्रिंसिपल भी कह रहे यार बेटी नहीं थैंक यू मेरे को ऑफिस कर दिया काम nice. भी तो उनका भी ऑफिस देखो कितना बढ़िया हो गया था तो वो भी कह रहे कि यार प्रिंसिपल तो मेरे को फील ही नहीं होता था मैं स्कूल का हूँ अब लग रहा है ना तो चलो फ्रेंड शेयर करना अपने थॉट्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द केयर एंड बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए